तैयारी में आप लोग जुट गए हैं, बैठक में क्या कुछ रणनीति बनी, क्या चल रहा है? नहीं, आज तो ये प्रारंभिक पहली बैठक थी हमारे आदरणीय प्रभारी और केंद्र में मंत्री कई बार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंता विश्व शर्मा जी, उनके द्वारा आज ये पहली बैठक बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत ही अच्छी रही। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो टिप्स उन्होंने दिया है राज्य की जनता के लिए और आने वाले चुनाव के लिए, ये हमारे कार्यकर्ता उनके साथ जो उनके मंत्र हैं, पार्टी का जो मंत्र है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और आने वाला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ये पूरा तय। झारखंड के नेचर को अच्छे से समझते हैं, इन दोनों के आने से कितना फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। कुछ चीजें कि आपस में बैठकर कुछ उनसे भी हमको, चूंकि कई बार मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बन चुकी है, किस रणनीति के तहत उन्होंने बनाई है, इतनी बड़ी जीत इस बार भी उन्होंने हासिल किया है, तो कुछ कुछ टिप्स हमको मिलेगा तो हम उसका आम जन तक जाएंगे काम का। आप इस यही चीज, यही तो आज झारखंड में सरकार यहाँ पे जो JMM इंडिया गठबंधन की सरकार है, अगर हम देखें लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो ये सरकार को तो नकार चुकी है जनता। 5 सीट मात्र ये सरकार जीती है, बाकी तो 9 सीट NDA के पक्ष में है, तो ये तो जनता नकार चुकी है। इसको तो अगर थोड़ी भी अगर इसमें इंसानियत हो तो इसको तो अब सरकार में बने रहने का कहीं कोई। बैठक में अगले चुनाव का रणनीति बना और सभी लोग एक मत से निर्णय लिया गया कि सभी लोग काफी मेहनत करना है। क्या कुछ टास्क भी दिया गया आपको? नहीं, अभी तक यही, जो आगे जो है सभी को प्रवास करना है, विभिन्न क्षेत्र में दौरा करना है। और जो हमारे प्रभारी ये हैं चौहान जी, उन्होंने कहा सभी का प्रवास का हम तैयारी करेंगे, बाकी मन में ही है कि अगला सरकार बनाना। आज हुई है, क्या कुछ चीजों को लेकर चर्चाएं हुई? देखिए, जब दो बड़े नेता आते हैं तो बहुत तरह की चर्चाएं होती है, और किस प्रकार से संगठन को हम लोग लोक विधानसभा की तैयारी के लिए तैयार करें उसको लेकर चर्चा हुई। और जिस प्रकार हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, 9 सीट हम लोग यहाँ जीते हैं, उसको लेकर हम लोग कार्यकर्ताओं को उत्साह को और बढ़ाएं। और कहते हैं ना कि जो ज़्यादा चाहता है कि उसको सीट मिले और कम मिलता है, तो वो ऐसा स्टूडेंट होता है जो 99 मार्क्स ला के लगता है कि 100 लाए। तो वही हम लोगों ने कहा है कि भले ही हम लोग 99 मार्क्स लाए हैं, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ा है और इसका परिणाम जो है आपको विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने 5 ट्राइबल सीट लूज किया है, इसको लेकर कुछ चर्चाएं हुई है, कुछ समीक्षा तो लगातार हो रही है इसको लेकर? तो हम लोग कर रहे हैं कि 9 सीटों हम लोगों ने जीता है, इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, जब पूरे देश में आप देख रहे हैं किस प्रकार से फाइट हुआ, उसमें हम लोगों ने 9 सीट किया, हम लोगों ने पॉजिटिव चीजों को लेकर चर्चा किया। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। अमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं।
26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।